तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो मून लैंडिंग थी, क्या वो रियल है या वो फेक है। तो इसमें हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं जो कि ध्रुव राठी ने अपने वीडियो के अंदर कवर नहीं किया था, और मैं उन्हें बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि वो पब्लिक के सामने बिल्कुल जाने चाहिए, ताकि पब्लिक को असलियत समझ में आ सके कि भाई अपोलो जो मिशन था उसमें जो मून लैंडिंग दर्शाई गई थी, तो वो क्या वो रियल थी या वो फेक थी। खतरनाक सबूत आपके सामने पेश करने वाला हूँ, जिससे आपकी अभी तक की जो भी थिंकिंग है मून लैंडिंग के संबंध में, उसकी जड़ें भी हिल सकती हैं। मॉड्यूल चांद पर लैंड करता है। इसमें बैठे हैं एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग और बज़ ऑल्ड्रिन। लैंडिंग के बाद नील आर्मस्ट्रांग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं चांद पर उतरने के लिए। दरवाजा खोलना आसान नहीं था क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन थोड़े स्ट्रगल के बाद ये खोलने में सक्सेसफुल होते हैं। सक्सेसफुली लैंड कर चुका है। फिर नील आर्मस्ट्रांग अपना स्पेस सूट तैयार करते हैं, दरवाजा खोलते हैं और चांद पर अपना पहला कदम रखते हैं। इस मोमेंट को 650 मिलियन लोग लाइव देखने लग रहे थे टेलीविजन पर। उनके पहले शब्द दुनिया को सुनाई देते हैं। तो ये तो इन्होंने ये वाली फुटेज दिखाई जो इन्होंने पब्लिक के लिए टेलीकास्ट करी। अब मैं आपको वो वाली फुटेज दिखाता हूँ जो इन्होंने पब्लिक के लिए टेलीकास्ट नहीं करी है। तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ वो वाली फुटेज जो इन्होंने पब्लिक के लिए रिलीज़ नहीं की है, लेकिन वो कई सालों बाद लीक हो गई थी कि जब ये शूटिंग कर रहे थे मून लैंडिंग की और वो नील आर्मस्ट्रांग उतरने वाला था, तो कैसे उस टेक में गड़बड़ हो गई। अब इस वाले टेक को देखिए। जो बाकी के लोग थे, जो शूटिंग में लोग थे बाकी आसपास से, वो लोग कैसे भाग के आ रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर से कोई सामान टूट के गिर गया इनका, तो ये लोग कैसे भाग के आ रहे हैं और दोबारा शूट करेंगे अब ये इसको, इस सीन को दोबारा लेंगे। साल 1957 में सोवियत पहला देश बन जाता है दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला। इसका नाम था स्पुटनिक और ये पहला मैनमेड ऑब्जेक्ट था जिसे धरती के ऑर्बिट में प्लेस किया गया। अमेरिकन सरकार शॉक हो जाती है देख। चलिए अभी इस स्पुतनिक के बारे में आपको एक फैक्ट बता देता हूँ जो ध्रुव राठी आपको नहीं बताएगा। तो ये सो कॉल्ड जो फर्स्ट सैटेलाइट स्पुतनिक छोड़ी गई थी रशिया के द्वारा, इसी से एक साल पहले ये देखिए कौन सी बुक लॉन्च हुई है सैटेलाइट। तो ये साइंस फिक्शन बुक थी जो लॉन्च करी गई थी, और इसी के एक साल बाद उन्होंने एक दूसरी साइंस फिक्शन सैटेलाइट छोड़ दी। मतलब इससे पहले एक साल पहले ये नोवेल लिखी गई थी साइंस फिक्शन के ऊपर सैटेलाइट नाम की, यानी कि यहाँ से आइडिया चुराया गया, इस साइंस फिक्शन नोवेल से आइडिया चुराया गया। उसके बाद फेक न्यूज़ फैला दी गई कि हमने जो है ये स्पुतनिक जो है लॉन्च कर दी है। तो इस बात का जिक्र मैंने अपनी पुस्तक चैप्टर 16 के अंदर भी किया है। आई एम नॉट आर वी मेकिंग मैक्सिमम एफर्ट? कोई और ऐसा स्पेस प्रोग्राम है जो हम जल्दी से कर सकते हैं? इसके बारे में एक सच्चाई आपको बता दूं कि जैसे ही जो दर्शाया जाता है कि ये सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, तो असलियत ये थी नहीं। असलियत ये थी कि दोनों ने पीछे से हाथ मिला रखा था, और दोनों बाहर बाहर से जैसे WWE होता है ना, उसमें दो फाइटर लड़ते हैं और आपको जनता को लगता है कि भाई दो फाइटर असली में लड़ रहे हैं, जॉन सीना और अंडरटेकर। लेकिन असल में सबको सच्चाई आजकल तो पता लग गई है कि उसमें पहले से प्लान रहता है कौन जीतेगा, और वो एक्टिंग करते हैं एक दूसरे को मारने की, तो आपको पता ही है वो चीज़। तो सेम सिमिलरली जो है ये एक्टिंग करते हैं कि मतलब कोल्ड वॉर की वगैरह की एक्टिंग करते हैं ताकि दोनों का फायदा हो सके। थे कोई इंटरनेट नहीं था, GPS की टेक्नोलॉजी तक नहीं थी, कंप्यूटर्स इतने पुराने हुआ करते थे, और ऐसे जमाने में ये प्रॉमिस करने लग रहे हैं कि हम इंसानों को चांद तक भेजेंगे। वो प्रॉमिस इसलिए करा है क्योंकि उनको पता है कुछ नहीं करना, चांद पे कौन सा भेजना है, कि स्टूडियो में शूट ही तो करना है। तो उस टाइम पे हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह बनने लग गई थी, तो कुछ नहीं करा। नासा के डायरेक्टर ने जो है हायर किया, क्योंकि आपको एक एक तथ्य और बताता हूँ जो आपको नहीं पता होगा। तो ये है लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है वाल्ट डिज्नी जो था डिज्नी का मालिक, और ये है वर्नर वॉन ब्राउन उस समय का नासा का डायरेक्टर। ये दोनों गहरे दोस्त थे, ये दोनों एक दूसरे के लिए काम करते थे। कैसे कि भाई जो लेफ्ट वाला डिज्नी था वो तो बच्चों के लिए कार्टून बनाता था, और नासा उसकी मदद से डिज्नी के ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करके बड़ों के लिए कार्टून बनवाता था। तो अभी आपको इसको एक इसका एक और सबूत देता हूँ आपको, ये देखिए। ऐसा बहुत बार मिला है कि जो है मून पे क्रेटर्स पाए गए हैं, मरकरी पे जो दिख रहा है आपको क्रेटर पाया गया है, गड्ढा पाया गया है जिसकी शक्ल मिक्की माउस जैसी है। तो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये दर्शाते हैं सबलिमल मैसेज आपको देते हैं कि भाई हम ही ये डिज़ाइन कर रहे हैं तुम लोगों के लिए।
ऐसे ही दूसरा एक और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये प्लूटो, मिकी माउस में जो प्लूटो आता था और जो प्लूटो प्लेनेट है, तो ये कुछ नहीं करा इन्होंने, वो उसी प्लूटो को लेके इसके प्लेनेट वाले प्लूटो के ऊपर चिपका दिया है। तो ये लोग मतलब सब लेवल मैसेज देते रहते हैं और ट्रुथ बिल्कुल लोगों के आंखों के सामने, लेकिन अभी भी अगर ट्रुथ नहीं दिख रहा तो उन लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता। खैर आगे सुनते हैं वीडियो को। 38 साल के कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो इस मिशन को लीड कर रहे थे, कमांड के मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस और लूनर मॉड्यूल के पायलट एडविन बज। तो बज़ एल्ड्रिन के बारे में आपको एक बात बता देता हूँ, बज़ एल्ड्रिन ने काफ़ी वर्षों बाद ये जब शूटिंग वगैरह हो गई थी, तो मतलब मून लैंडिंग की जब शूटिंग हो गई थी, वो लोगों को काफ़ी यकीन हो गया हाँ भाई ये सच है। तो उसके बाद बज़ एल्ड्रिन काफ़ी इंटरव्यूज़ भी देने गया, तो उसमें मतलब उसने कई बार बोला है, मतलब मुंह पे बोला है, लेकिन लोगों को तब भी समझ में नहीं आई। चलिए ऐसा ही एक इंटरव्यू की क्लिप उठा के मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने अपने चैनल के ऊपर बहुत सारी क्लिप डाल रखी है चप्टो गोला प्लेलिस्ट के अंडर में, उस चप्टो गोला प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डिटेल में आके आप वहाँ पर देख सकते हैं। बहरहाल मैं अभी के लिए मैं आपको बस एल्ट्रन की क्लिप सुनाता हूँ, तो आप इस वीडियो को देखिए। तो दोस्तों, अभी आपको एक इंटरव्यू दिखाने वाला हूँ जिसमें अमेरिका का एक मीडिया का दलाल पूछेगा एक एस्ट्रोनॉट से जो अपोलो 1 के मिशन में शामिल था, जो एस्ट्रोनॉट। तो अमेरिका के मीडिया का दलाल उससे पूछेगा कि मुझे याद है कि जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे जगाया था और मैं सो रहा था कि अरे देखो 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 टीवी पे आ रहा है कि वो मून लैंडिंग हो गई है, मून पे पहला कदम रखने वाले हैं। तो उस पे देखिए कि अपोलो के जो एस्ट्रोनॉट है उसने क्या उत्तर दिया, आप खुद ही सुनिए। Let's talk about this because this is fascinating. I remember very clearly. I think anybody who was alive at the time does. I remember my parents waking me up and we went down and we watched you guys land on the moon, no, which was no, you didn't. What? Because there wasn't any television. There wasn't anybody taking a picture. You watched animation. एस्ट्रोनॉट बोल रहा है यू वॉच्ड एनिमेशन, तूने कार्टून देखे हैं, तूने जो कुछ देखा है वो एनिमेशन है, वो कार्टून है जो तूने टीवी पे देखा मैं मून पे कदम रखते हुए। तो जब खुद एस्ट्रोनॉट ये बोल रहा है, अभी भी बहुत सारे साइंस के दलाल कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे और साइंस की दलाली करना चालू कर देंगे। पर कदम रखने का मौका सिर्फ नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन को मिलेगा और माइकल को। तो मैं बज़ एल्ड्रिन के बारे में एक और बता देता हूँ कि बज़ एल्ड्रिन का एक और इंटरव्यू हुआ था, यूनिवर्सिटी में कोई टॉक के लिए गया था, तो उसमें ऑडियंस में से एक ने सवाल पूछा कि भाई आप मून पे गए थे तो व्हाट वाज द डिफिकल्ट पार्ट। तो बज़ एल्ड्रिन बोलता है कि डिफिकल्ट तो जब होता ना, जब वास्तव में ऐसा कुछ होता, जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो डिफिकल्ट का प्रश्न कहाँ से आ गया। तो इसके संबंध में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो साहब यह है इनका लूनर मॉड्यूल जो कि बोला जाता है कि चांद पर उतरा था। अब इसे अगर आप जूम करके देखोगे तो आपको फॉइल टेप कार्डबोर्ड सब कुछ दिख जाएंगे, मतलब आप इसे जूम करके देखिए तो बाकायदा ये देखिए इस पर टेप लगा हुए हैं, मतलब मजाक बना रखा है इन लोगों ने। ये देखिए इसमें टेप लगे हुए हैं, फॉइल पेपर लगा हुआ है मतलब कॉमेडी बना रखा है। मतलब ये चांद पर उतरा था और इसमें बग्गी थी, यानी कि जो गाड़ी ये चलाने वाले हैं चांद पर, और 3 आदमी बैठे थे इस कार्डबोर्ड से, इस कागज़ से बने हुए। बता लोग इस पे बिलीव कर सकते हैं, तो उन्हें पता है कि लोग इतने मूर्ख हैं किसी भी चीज़ पे बिलीव कर सकते हैं। खैर चलिए आगे देखते हैं अब। इस चीज को अवॉइड करने के लिए नासा का प्लान था कि सर्विस मॉड्यूल में थ्रस्टिंग होगी जो उसे थोड़ी दूर ले जाएगी कमांड मॉड्यूल से। ये खाली प्रोटोटाइप्स हैं, ऐसे ये कुछ भी काम नहीं करता है, प्रोटोटाइप्स हैं, ये वर्क करते ही नहीं है, ये सिर्फ लोगों को ग्रीन स्क्रीन के आगे रख के मूर्ख बनाने के हैं। जो खाली फिल्म होती है ना, तो उसी टाइप के प्रोटोटाइप्स हैं, इनसे असलियत में कुछ नहीं होता, ये सिर्फ ग्रीन स्क्रीन के आगे रखे जाते हैं ताकि ग्रीन स्क्रीन के ऊपर की जगह चंद्रमा को लगाकर उनके आगे इसे दिखाकर और उसे फिल्माकर जो है लोगों को मूर्ख बनाया जा सके। ही फ्लैट दिखे। अब अपोलो 11 के मिशन में एक्चुअली में इस हॉरिजॉन्टल रॉड को एक्सटेंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो पूरी एंड तक एक्सटेंड नहीं हो पाई है। तो ये जितने भी वीडियोस जो दिखा रहा है ना प्रूफ के तौर पर, ये ऑलरेडी कई बार डीबंक हो चुके हैं और विकिपीडिया ने बहुत सारे फुटेज लीक कर रखे हैं इस संबंध में, जिसके जैसे कब ये जो है इनका शूट खराब हो जाता है, तो आसपास जो क्रू के मेंबर्स होते हैं वो जो शूटिंग में हेल्प कर रहे होते हैं लाइट वगैरह वाले, वो लोग आते हैं साइड जल्दी से भाग के आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस भरे पड़े हैं लेकिन वो आप तक नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि यूट्यूब उनको आप तक दिखाना नहीं चाह रहा, क्योंकि यूट्यूब आपको सच्चाई नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि यूट्यूब आपको डिल्यूजन में रखना चाह रहा है। तो वो आप तक नहीं पहुँचेंगे, आपको उन तक पहुँचना है, सच तक आपको पहुँचना पड़ता है। जो फर्जी खबरें होती हैं वो आप तक पहुँचती हैं, आपके न्यूज़ फीड में आ जाती हैं। तो मैं आपको अभी सोर्स बता देता हूँ कि इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए,
फेसबुक पे ग्रुप है, उसमें बहुत सारे भर भर के ऐसे प्रूफ डले हुए हैं, मतलब वीडियोस हैं, बहुत सारे फोटोज हैं इस प्रकार के, जो साफ साफ प्रूफ करते हैं कि मून लैंडिंग फेक थी। तो उस ग्रुप को आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारे प्रूफ वहाँ पे भरे पड़े हैं। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तब से लेकर अब तक दोस्तों ऑलमोस्ट 50 साल हो चुके हैं, इन 50 सालों में कोई भी और इंसान चांद पर नहीं गया है। इसका रीजन मैं बताता हूँ कि 50 सालों में कोई भी चांद पर क्यों नहीं गया, क्योंकि जो नासा है, नासा ने वो टेक्नोलॉजी डिस्ट्रॉय कर दी है। चांद पर जाने की जो टेक्नोलॉजी थी वो उनकी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसलिए और उसको उस टेक्नोलॉजी को दोबारा से बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। ये मैं नहीं कह रहा, ये नासा का एस्ट्रोनॉट ये खुद बयान दे रहा था। यकीन नहीं हो रहा आपको, मैं अभी आपको सुनाता हूँ। I'm Don Pettit. I'm a NASA astronaut, and I'm on the International Space Station. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वास्तव में इसने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि ये डॉन पेटिट इसका नाम है और ये नासा का एस्ट्रोनॉट है। अभी इसका मैं उस स्टेटमेंट को आपको दिखाता हूँ ज़रा, ठीक है? जो इसने स्टेटमेंट दिया था जब इससे पूछा गया था कि जो है हम अभी क्यों नहीं जाते हैं मून के ऊपर, तो आप उस स्टेटमेंट को सुने। तो सुनिए इसने क्या बोला। I'd go to the moon in a nanosecond. The problem is we don't have the technology to do that anymore. We used to, but we destroyed that technology, and it's a painful process to build it back again. ये बोल रहा है कि भैया हम, मतलब मैं जा सकता हूँ चंद्रमा के ऊपर, और ये बहुत ही मतलब एक सेकंड के भी एक बहुत ही छोटे से हिस्से का काम है, लेकिन समस्या इतनी है, समस्या ये है कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। हाँ, वो जो टेक्नोलॉजी थी मून पे जाने की, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और उस टेक्नोलॉजी को वापस पाना बहुत ही मतलब टेढ़ी खीर है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस है, मतलब बहुत ही मशक्क़त का काम है उस टेक्नोलॉजी को वापस लाना। तो इसीलिए हम जो है वापस से मून में नहीं जा सकते। लगता है कि पृथ्वी गोल है? क्या आप भी अंतरिक्ष में तैरते हुए एस्ट्रोनॉट्स को देखकर रोमांचित महसूस करते हैं? क्या आपको भी ऐसा बताया गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है? और क्या आपने भी ऐसा सुना है कि हम चांद पर कदम रख चुके हैं? क्या हो अगर मैं बोलूं कि ये सब एक झूठ था, और शायद इस सदी का सबसे बड़ा झूठ? लेकिन आखिर ये झूठ हमसे क्यों बोला गया, और कौन है वो लोग जिन्होंने ऐसा किया? अगर पृथ्वी गोल नहीं है तो कैसी है, और फिर उन तमाम वैज्ञानिक सिद्धांतों का क्या? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए चाणक्य तिवारी जी की इस विषय पर लिखी गई भारत की पहली पुस्तक चपटू गोला। चपटू गोला ई बुक को ऑर्डर करने के लिए 9368138638 पर व्हाट्सएप कीजिए।